नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज में। मैं हूं आपके साथ नीरज। नैनीताल में चल रहे 7 दिवसीय मां नंदा देवी महोत्सव बड़े ही भव्य रूप से उसका आगाज हुआ है और सभी कार्यक्रम भी भव्य रूप से हो रहे हैं। कल भी यहां बच्चों के लिए लोकगीत प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें विभिन्न स्कूलों की 13 टीमों ने भाग लिया। लोकगीत प्रतियोगिता में कई प्रसिद्ध गाने बच्चों द्वारा प्रस्तुत किए गए, जिनमें नंदा देवी तू देण है जाए, घुघुती घुरान लागी, रंगीलो कुमाऊं, उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, केले बाजे मुरुली मेरी सुरुली जैसे लोकप्रिय गीत शामिल थे। बच्चों की प्रस्तुति ने दर्शकों का मन मोह लिया। वहीं बाल विद्या मंदिर की कामाक्षी ने प्रथम पुरस्कार जीता। इसके साथ ही क्विज प्रतियोगिता ही आयोजित हुई थी, जिसमें भारतीय शहीद सैनिक के तुषार प्रथम स्थान पर रहे। वहीं दूसरी तरफ ज्वलीकोट से लाए गए कदली वृक्ष को माँ नंदा सुनंदा की मूर्ति के रूप में परिवर्तित करने का काम विशेषज्ञ कलाकारों द्वारा किया जा रहा था। पूरन सिंह, हरीश पंत, राजन दिलीप, भुवन, ललित सागर समेत अन्य कलाकारों ने कदली वृक्ष को माता का रूप दिया, जिसके बाद मोनिका शाह और आरती सम्मल ने पेंटिंग का काम किया और फिर दीपक गुर्रानी और भोला वर्मा ने माता को आभूषण से सजाया और फिर मूर्ति को नैना देवी मंदिर में बने मंडप में स्थापित कर दिया गया है। और आज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठान के साथ मूर्ति को भक्तों के दर्शन के लिए रख दिया गया है। अब आने वाली 7 तारीख तक भक्त माँ नंदा सुनंदा के दर्शन कर सकेंगे और फिर अंतिम दिन मां की मूर्ति विसर्जित कर दी जाएगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। यह रिपोर्ट तैयार की थी नैनीताल से हमारे संवाददाता अरुण कुमार शाह ने। नंदा देवी महोत्सव से जुड़ी जो भी खबर होगी वो JJN न्यूज आपके लिए जल्द से जल्द लेकर आएगा। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।